अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर पे बेस करती है। आज की वीडियो में मैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन को कवर करने की ट्राई करूँगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये है कि स्टूडेंट कितना अर्न कर सकते हैं पर मंथ फ्रॉम आवर जॉब। एंड में स्टूडेंट्स 30 घंटे पर वीक जॉब कर सकते हैं, एज ए रिजल्ट वो अप्रॉक्स 1000 से 1200 यूरो अर्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्टली ये होता है स्टूडेंट्स का कि हाउ मच फी इज़ मैनेजेबल। तो मेरा परस्पेक्टिव ये है कि अराउंड 8000 यूरो फ़ी इज़ मैनेजेबल। इससे ऊपर मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। इस एज एंड स्टडी गैप एक्सेप्टेबल, ये अक्सर लोगों का सवाल आता है। तो इसका आंसर ये है कि फिनलैंड का पॉजिटिव एजुकेशनल पॉइंट ये है कि यहाँ एज और स्टडी गैप मैटर नहीं करता। स्टिल मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन कोर्सेज और अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करें स्कॉलरशिप अचीव करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्सर लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट का मंथली एक्सपेंस कितना होता है नॉर्मली। तो एवरेज एक्सपेंस जो स्टूडेंट का आता है वो नॉर्मली 400 to 500 यूरो, और ये डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पे कि वो किस तरह अपने लाइफस्टाइल को यहाँ पे आके मैनेज करता है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट आउट जॉब्स मार्केट, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये भी एक स्टूडेंट्स का। तो इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि बड़े सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़। सो ये डिपेंड भी करता है हर बंदे की लक पे। किसी को मतलब छोटे शहर में भी जॉब मिल सकती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ जॉब नहीं है। तो ये मैं अपना पर्सपेक्टिव एक बता रहा हूँ। और साथ ही जो है अक्सर लोगों का ये भी सवाल होता है कि भाई मोस्ट कॉमन जॉब्स कौन सी हैं जो स्टूडेंट्स आते साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें रेस्टोरेंट, पोस्टी, क्लिनिंग एंड फूड डिलीवरी जॉब्स, ये मोस्ट कॉमन जॉब्स हैं जो यहाँ स्टूडेंट ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पीआर से रिलेटेड होता है कि कितने अरसे में पीआर मिल जाती है। तो नॉर्मली 4 साल बाद पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल दो अभी कुछ न्यू रूल्स गवर्नमेंट ने सजेस्ट किए हैं जिसमें शायद पीआर का ड्यूरेशन इंक्रीज कर दें, लेकिन आज की डेट तक ये रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि स्पॉन्सर का ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है या नहीं। तो आपका स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है एज़ फार एज़ उसका मनी ट्रेल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि वीज़ा रिजेक्शन रेट क्या है। सो द गुड न्यूज़ इज़ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एंड मनी ट्रेल क्लियर हैं तो आपका वीज़ा 100% आ जाएगा। पेरेंट्स के हवाले से एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम पेरेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली फिनलैंड सिर्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन को फर्स्ट फैमिली कंसिडर करते हैं। तो आप स्पाउस और बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं, पेरेंट्स को सिर्फ विजिट वीज़ा पर इन्वाइट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये हलाल फूड से रिलेटेड होता है कि हलाल फूड अवेलेबल है या नहीं। तो हर सिटी में हलाल फूड मार्केट, शॉप्स और इवन रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हैं जहाँ से इजीली हम रोज़मर्रा की चीज़ें ले सकते हैं। मैंने तकरीबन तमाम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। अगर आपने स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर ऐड कर रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।